हेलो माय डियर, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3.8 का एक नंबर सवाल है। 3.2 का एक नंबर सवाल है, क्या करा है? y इक्वल टू यह वैल्यू दिया है एंड 2x प्लस y इक्वल टू यह वैल्यू दिया है, या मैट्रिक्स ये है। क्या मान ज्ञात करना है आपका? मान x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? देखिए, अब x का मान क्या ज्ञात कर सकते, y का वैल्यू हम यहाँ सीधा पुट अप कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड। तो y का मान इक्वेशन में सेकंड में पुट करने पर, ठीक है, पुट द वैल्यू y, आप पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन सेकंड, ठीक है। y का मान सेकंड इक्वेशन नंबर समीकरण दो में पुट करने पर, या वैल्यू मान रखने पर, ठीक है। सीधा रखते हैं, क्या है देखिए, 2x प्लस y इक्वल टू 10 माइनस 32, ठीक। अब हम क्या आएंगे, 2x इक्वल टू 10 माइनस 32, इतना है माइनस, ठीक। ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, तो y अब यहाँ वैल्यू करनी है। 2x इक्वल टू 10 माइनस 32, ओके, माइनस y का मान क्या है देखते, यह है ना क्या, 3214, ओके। अब 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हटाइए 1 माइनस 13, माइनस 1 में माइनस 3 घटाएंगे कितना जाएगा, माइनस 2, ठीक। 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2, ओके, क्या आएगा माइनस 2, 0 में माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 3 में माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, 2 में माइनस 4 का घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस 2, टू में माइनस 2, अब 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो x मान क्या आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, आपका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा, ओके। इस प्रकार हम वैल्यू को या फाइंड करते हैं, हमें x का मान ही ज्ञात करना था, ओके। हेलो माय डियर, आप देखते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3.2 का 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। हेलो डियर, मैं हूं अभिनंदन टेस्ला, ओके। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्या है देखिए, 3.2 का 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 कोष्टक 2 मैट्रिक्स प्लस वाई इतना है इक्वल टू या मैट्रिक्स, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, या जो दिया गया है इसमें एक्स एंड वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। जो इक्वेशन दी गई है इसमें एक्स एंड वाई का मान ज्ञात करना है मैट्रिक्स के रूप में, ठीक। देखिए सबसे पहले 2 है 2 को इसमें क्या कर सकते हैं, कोई चीज मैट्रिक्स या अव्यूह के बाहर रहता है गुणांक, तो उसका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है ना, तो गुणा करते हैं, तो चलिए गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, 2 इसमें करेंगे कितना जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 हमें 0, 2x, ओके, चलिए प्लस वाई 0 1 2, ओके, इक्वल टू 5 6 1 8, प्रूफ नहीं करना है, सिद्ध नहीं करना है, इसे केवल मान निकालना है एक्स वाई। अब देखिए, अब इसे दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे दोनों मैट्रिक्स को, ठीक है। तो ऐड करिए, 2 और y कितना हो जाएगा, देखिए अंक हमेशा डिजिट जुड़ता है, ठीक है, 2 2 जुड़ेगा, ठीक है, कोई 2 3 4 5, 0 से 9 जुड़ गया, और अच्छा है तो अच्छा जुड़ता नहीं है, उसमें लिख उठा आता है, ठीक। इसे 2 और y ऐड करेंगे तो 2 प्लस y हो जाएगा, 6 और 0 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 0 यहाँ 1 है, ओके, 0 और 1 है, ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 2x प्लस 2 या आप कहो जाए, ठीक। चलिए इतना आ गया, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 5 6 1 8 लिख देंगे ना। देखिए आप इसके बराबर कंपेयर कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन बराबर है, इसके बराबर यह एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट के बराबर सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड, ओके। जैसे अब इसके बराबर यह होगा, इसके बराबर यह होगा, ओके। चलिए बराबर करते हैं, 2 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस y इक्वल टू 5, तो y का मान निकाल लीजिए, तो y इक्वल टू 5 माइनस 2, तो y इक्वल टू 3, यह आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, y मान। अब इसी प्रकार हमें किसका चाहिए, x का, सीधा x का कंपेयर करिए, 6 बराबर 6 हो जा सकता, हमें किसका कंपेयर करना है, 2x
प्लस टू इक्वल टू, देखिए फर्स्ट अव्यूह का लास्ट एलिमेंट है ना, इसमें सेकेंड अव्यूह का लास्ट एलिमेंट के बराबर ही होगा, तो कितना बराबर लिख सकते हैं 8। ओके, टू एक्स इक्वल टू 8 माइनस टू, टू एक्स इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू 3, आपका माना जी एक्स इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू इतना आता है, यहाँ लिख सकते हैं आता एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 3 इक्वल टू बराबर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, हेलो डियर, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.2 का 10 नंबर है, क्या कह रहा है देखिए, 2 इंटू अव्यू प्लस 2 या अव्यू इक्वल टू 3 प्लस अव्यू। ओके, यह मैट्रिक्स दिया, इसमें मान ज्ञात करना है एक्स वाई जेड एंड टी का मान ज्ञात करना है। ओके, ठीक है, देखिए हम फाइंड करते हैं एक्स वाई जेड एंड टी का कैसे फाइंड करते हैं, व्हाट इज द मैटर, आप फाइंड द एक्स एंड वाई जेड एंड टी। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, एट द फर्स्ट टाइम एक टू को इसमें मैट्रिक्स में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर दे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2x 2z 2y 2t, हो सकता है, हो सकता नहीं, हो गया। ओके, चलिए प्लस, अब इसका मैं मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2 1 जा 2 माइनस 2 0 2 2 जा 4, यह हो गया। ओके, चलिए और देखते हैं, अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, ठीक है, तो आ गया। चलिए अब इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक, एलिमेंट के अपने अपने स्थान के स्थान पर। ठीक, 2x प्लस 2 से ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2 हो गया। ओके, 2z 2z प्लस किससे ऐड करें, माइनस 5 से, माइनस 5 माइनस 2, ओके माइनस 2। चलिए अब 2y 2y किसे ऐड करेंगे, 0 से, प्लस 0 लिख सकते हैं। ठीक, चलिए 2t किसे ऐड कर रहे हैं, प्लस 4 से। ओके, चलिए प्लस 4, ठीक, यह आपका हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 15 12 18। चलिए अब फिर सीधा कंपेयर कर देते हैं, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर यह होगा। ठीक, यहां लिखते हैं क्या होगा, देखिए 2x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा, 9। ओके, चलिए 9, तो 2x इक्वल टू 2 में 9 ये 7, x इक्वल टू 7 अपान 2, ये आपका क्या आ गया, मान आ गया। ठीक, इतना अब ये 2z का मान है, कंपेयर करते हैं, 2z माइनस 2 इक्वल टू किसका होगा, सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट के बराबर, इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, तो 2z इक्वल टू 15 प्लस 2, तो 2z इक्वल टू 17, तो z इक्वल टू 17/2, यह आपका z मान निकल गया। ठीक, अब इसी प्रकार हम निकालते हैं 2y का, चलिए 2y इक्वल टू कितना है, प्लस 0 कोई मान नहीं, 12। ओके, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6, 2 छन 12 हो जाएगा। ठीक, चलिए कितना आ गया y मान 6। अब इसी प्रकार t4 का निकाल लेते हैं, कितना t का 2 कहाँ लिखते हैं, चलिए लिख देते हैं 2t प्लस 4 इक्वल टू कितना है, 18 है ना, चलिए जब है इसे अब क्या कर सकते हैं, 2t इक्वल टू 18 में देखिए प्लस एक घट जाएगा, 18 में 4 गए 14, चलिए तो 2t बराबर कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 से 14, विभाजन करेंगे तो टी का मान आ जाएगा 7, यह आपका आंसर आ गया। ओके, तो x देखिए x y x z y एंड t का यह आपका मान निकल गया, इस प्रकार एकदम सिंपल है। ओके, हेलो डियर, अब देखते हैं क्लास 12th क्वेश्चन नंबर 3.2 का 11 नंबर क्या कर रहा है, देखिए x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू y इनटू मैट्रिक्स। ओके, चलिए इक्वल टू इतना, अब इसमें मान निकालना है किसका, एक्स एंड वाई का मान ही निकालना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो हम सब फाइंड करते हैं, लिखते हैं हल या सोल्यूशन। ओके, चलिए सोल्यूशन, अब इसमें क्या कर, एक्स को पहले इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x 3x हो गया। चलिए प्लस, अब वाई का क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 10
हो गया। जब इतना हो गया तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दीजिए कितना, 2x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 2x माइनस वाई आए कितना, 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 5 इतना आ गया। ठीक, अब इन दोनों के बराबर हम कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। ठीक, 10 लिख सकते हैं। इतना, अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब एक और दो को क्या कर देते हैं, देखिए ए माइनस ए प्लस ए, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कट जाएगा। ठीक है, ऐड कर दीजिए। ठीक, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। चलिए ये ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 2 कितना आ गया 5x, ए का कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 10 और 5 कितना आ जाएगा 15। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 अपॉन 5, x इक्वल टू 3। जब x का मान 3 आ गया तो x का मान समीकरण एक या दो में किसी में भी रख सकते हैं। चलिए रख देते हैं, ओके रखते हैं, मान लीजिए एक ही में रख देते हैं। ठीक है, क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 10। चलिए x इक्वल टू यहाँ 3 है कितना 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई इक्वल टू 10। चलिए माइनस वाई उधर जाएगा, 6 माइनस 10 इक्वल टू वाई, 10 है इधर आया माइनस वाई उधर गया, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 में से आगे माइनस 4। यह आपका मान आ गया, वाई एक्स मान 3 और वाई मान माइनस 4। इस मॉडल हम सॉल्व करते हैं, ओके। हेलो डियर, आप देखते हैं क्लास ट्वेल्थ का 3.2 का 12 नंबर सवाल है, क्या कर रहा है। देखिए 3 इंटू या मैट्रिक्स से इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स, इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू का मान ज्ञात कीजिए, या आपका कह रहा है। तो मान देखिए याद करने का वही तरीका जो प्रीवियस ईयर से पढ़ रहा है, प्रीवियस ईयर ना प्रीवियस क्वेश्चन से पढ़ रहा है। चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सॉल्व लिखते हैं, ओके। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3x 3y 3z 3w, कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स में पूरा डिजिट या पूरा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, ओके। चलिए इक्वल टू कितना आ जाएगा, चलिए इसे भी ऐड कर देते हैं हम, x और 4 कितना आ जाएगा, x प्लस 4y, x प्लस 4, ओके। चलिए 6 में x प्लस वाई ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 6 प्लस x प्लस वाई आ जाएगा ना। चलिए अब माइनस 1 में ऐड कर दीजिए, माइनस 1 प्लस क्या ऐड होगा, z प्लस w, ओके। चलिए अब 2w, 2w में क्या ऐड कर देंगे, प्लस 3 ऐड कर देंगे, इतना आ गया। अब इसके बराबर ए होगा, इसके बराबर ए होगा, ठीक, इसके बराबर ए, इसके बराबर ए, ओके। चलिए इक्वल हम कर देते हैं, पहला नंबर 3x करते हैं, 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है, इसे सॉल्व कर देते हैं कितना आ जाएगा, x इधर लाएंगे कितना आ जाएगा, 3x माइनस x इक्वल टू 4, 3x में 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, ठीक, यह x का मान निकल गया। अब चलिए सेकेंड वाले डिजिट को हम कंपेयर करते हैं, सेकेंड वाले डिजिट कैसे करेंगे, 3y इक्वल टू क्या होगा, 3y इक्वल टू ये वाला डिजिट, ओके, क्या आ जाएगा, 6 प्लस x प्लस y आ गया, ठीक। चलिए अब 3y ए वाई इधर ले आते हैं, y माइनस वाई इक्वल टू 6 प्लस x होगा। चलिए ये देखिए 3y में से y सबट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2y, चलिए 2y लिख देते हैं, ओके। 6 प्लस x, 6 प्लस x, x का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, क्या है 2, चलिए हम 2 लिख देते हैं, ठीक, तो 2y इक्वल टू कितना 8, तो y इक्वल टू 4, ठीक, इतना आ गया। चलिए अब करते हैं तीसरा, 3z इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ तो लिख सकते हैं 3z इक्वल टू माइनस 1 प्लस z, क्या z प्लस w।
इसमें देखिए जेड और डब्ल्यू मान दो है, इसे अभी यही रहने दीजिए ठीक। उससे पहले हम ये आला सॉल्व कर देते हैं फोर्थ नंबर, इसे भी रहने दीजिए ठीक। चलिए इसे क्वेश्चन मान लेते हैं क्या थर्ड, थर्ड हो गया। चलिए फोर्थ नंबर क्या है, थ्री डब्ल्यू, थ्री डब्ल्यू इक्वल टू क्या है टू डब्ल्यू प्लस थ्री ठीक। यहां डब्ल्यू तो आप वैल्यू निकाल लीजिए, टू डब्ल्यू इधर आएगा, थ्री डब्ल्यू माइनस टू डब्ल्यू इक्वल टू थ्री, डब्ल्यू इक्वल टू थ्री, थ्री में से टू गए वन, डब्ल्यू इक्वल टू थ्री आ गया ठीक। या आप मैं और उसके बाद क्या है देखिए, अब थ्री जेड प्लस इतना इसे हम हटा ही देते हैं, आप बाद में कंपेयर थर्ड वाला करेंगे ठीक है। कंपेयर करिए दे क्या होगा, थ्री जेड, थ्री जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ठीक। तो जेड वाला इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री जेड माइनस जेड इक्वल टू माइनस वन प्लस डब्ल्यू का मान क्या रखेंगे, तीन रख देते हैं हम तीन, तो थ्री जेड में कितना गए टू जेड इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री कितना जाएगा टू, तो जेड इक्वल टू, जेड इक्वल टू इधर डिवाइड करेंगे तो आपका मान एक आ जाएगा ठीक है। तो एक्स कमान टू, वाई कमान फोर, डब्ल्यू कमान थ्री एंड जेड कमान वन, इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे ओके। हेलो माय डियर, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है थर्टीन ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है ठीक है। क्या है या एक्स इक्वल टू या मैट्रिक्स दिया है एंड सिद्ध क्या करना है, प्रूफ दैट करना है या फिर एक्स इन टू या वाई इक्वल टू या फिर एक्स प्लस वाई, या क्या करना है हमें प्रूफ करना है ठीक है। किसके माध्यम से, या फिर एक्स के माध्यम से ठीक है। प्रूफ दैट वाई या फिर एफ एक्स एंड व्हाट इज द प्रूफ ऑफ वैल्यू या फिर एक्स इन टू या वाई इक्वल टू या फिर एक्स प्लस वाई। चलिए नाउ अब क्या करते हैं, या फिर एक्स वैल्यू दिया है हमें ठीक, हमें एफ वाई वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहां हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है का राइट हैंड साइड, हम क्या किससे सिद्ध कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से सिद्ध कर रहे हैं। चलिए फ्रॉम चलिए यहां क्या कर देते हैं, एफ एक्स का वैल्यू दिया है तो एफ वाई की मतलब वैल्यू निकालिए, एफ वाई वैल्यू क्या हो जाएगी, जहां एक्स है वहां हम क्या रख देंगे, वाई रख देंगे, आपका निकल आएगा एफ वाई का वैल्यू। चलिए रखते हैं कॉस, देखिए वाई एक्स है तो हम क्या रख देंगे, अब वाई ओनली एक्स चेंज टू वाई रिप्लेस हो जाएगा ठीक है। कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई ओके कॉस वाई जीरो 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 वन, यह आपका क्या निकल आया एफ वाई का वैल्यू निकल गया है ठीक है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड से ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। चलिए क्या निकल आया हमें, क्या गया था एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई का मल्टीप्लाई करना है ना, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं पहले एफ एक्स का वैल्यू क्या है वह लिखते हैं, एफ एक्स का वैल्यू क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, और क्या है साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन, या हम किसका वैल्यू पुट अप किए हैं एफ एक्स का, अब एफ वाई का हम वैल्यू पुट कर देंगे ठीक है, इंटू एफ वाई का वैल्यू क्या है कॉस ए वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन, वनली चेंज क्या है एक्स ग्रेप वाई है ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए फर्स्ट रो को उठाइए, फर्स्ट कॉलम में पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है। फर्स्ट रो को उठाइए, इसे खड़ा कर दीजिए मतलब स्टैंड कर दीजिए, उसके बाद सभी में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, करते हैं कॉस एक्स के साथ कॉस वाई करेंगे कितना आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई ओके। अब देखिए थोड़ा लंबा जाएगा ठीक है, माइनस साइन एक्स
माइनस साइन एक्स क्या करेंगे, इसमें करेंगे प्लस के, तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ओके, अब जीरो से जीरो में करेंगे तो क्या आ गया, जीरो आ गया, ये पूरा एक वर्ड है। ठीक, अब सेकेंड वाला, अब ये वाला मल्टीप्लाई क्या इस, यही वाला अब इसमें करेंगे। ठीक है, कॉस एक्स का साइन वाई करेंगे क्या आ जाएगा, एक डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यह लंबा जाएगा। कॉस एक्स का माइनस साइन करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक, अब माइनस साइन एक्स का कॉस वाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स कॉस वाई। ओके, अब जीरो का जीरो में करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस जीरो आ जाएगा। ठीक, अब यही चीज इसमें करेंगे, कॉस एक्स का जीरो करेंगे तो जीरो आ जाएगा, माइनस एक्स का जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, और जीरो को वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फर्स्ट रो कंप्लीट। ओके, अब सेकेंड रो को उठाते हैं, सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, साइन एक्स को कॉस में करेंगे कितना आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ओके, चलिए, अब ये कॉस एक्स का साइन में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई आ गया ना। चलिए, उसके बाद अब क्या है, जीरो को जीरो में करेंगे, जीरो आ गया। ठीक, चलिए, अब साइन एक्स को माइनस करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, अब कॉस एक्स का इसमें करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक, अब जीरो को जीरो में करेंगे प्लस जीरो। अब थर्ड रो देखते हैं, ठीक है, क्या करा है, साइन एक्स को जीरो में करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, प्लस कॉस एक्स को जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, जीरो को वन में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब थर्ड करते हैं, जीरो को कॉस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, और जीरो को साइन में करेंगे प्लस जीरो, वन को जीरो में करेंगे प्लस जीरो आ जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, अब जीरो को साइन में करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो को कॉस में करेंगे प्लस जीरो, अब वन को जीरो में करेंगे प्लस जीरो। ठीक, अब वो जीरो को जीरो में करेंगे मल्टीप्लाई तो जीरो प्लस, जीरो को जीरो में करेंगे तो प्लस जीरो प्लस, और वन को वन में करेंगे प्लस वन आ जाएगा, या ध्यान देना। ठीक, किसका मान निकला है यार, ये निकला है या एक्स इंटू या वाई का, और सॉल्व करिए। ठीक है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसका फार्मूला बनता है, फार्मूला जानते हैं यार, क्या जानते हैं, साइन एक्स प्लस, देखिए क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना। अब हम क्या लिख देंगे, आप कॉस ए प्लस बी लिख देंगे। ठीक है, यहां लिख सकते हैं कॉस, ओके, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई लिख देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी होता है। ठीक है, अब यहां माइनस हम क्या कर लेते हैं, माइनस हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहां माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या कॉस ए इंटू साइन ए, मतलब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फार्मूला क्या बनता है, साइन ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई का बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, जीरो। अब देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए का मान क्या है, एक्स, बी का मान है वाई। ओके, अब देखिए, अब कॉस ए इंटू कॉस बी से पीछे ले जाएंगे। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, किसका फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी का। ठीक, तो कॉस ए मतलब एक्स, एक्स प्लस वाई का फार्मूला है। ठीक, और जीरो कर देंगे, ये जीरो है, ये भी जीरो है, जीरो जीरो वन वन ऐड कर देंगे, यह आपका मान निकल आया, किसका, या फिर एक्स इंटू या वाई का मान। ठीक, या फिर एक्स इंटू या वाई का मान आपका यह निकल आया। ठीक, यह हमें ले या फिर एक्स इंटू या वाई का मान निकल आया, जब इतना निकल आया उसी का अनुसार रख देते हैं, क्या, या हमें लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड को क्या कर सकते हैं, लिख दिया है क्या, यही लिख देते हैं, चूंकि या फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, जहां फंक्शन एक्स था वहां हम एक्स था, एक्स दिया था तो वाई निकाल लिए वाई के फंक्शन में। ठीक, जहां एक्स था वहां क्या रख दिए, वाई, अब जहां एक्स है एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे,
यक्स प्लस वाई रख देंगे, क्या रख देंगे यक्स प्लस वाई, यहां देखिए रखेंगे क्या आ जाएगा कॉस, ओनली यक्स के स्थान पर चेंज करेंगे तो यक्स के स्थान क्या रखेंगे यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई ओके, माइनस साइन यक्स के स्थान पर यक्स प्लस वाई जीरो, ठीक है चलो साइन यक्स, साइन यक्स यक्स के स्थान पर यक्स प्लस वाई, साइन यक्स प्लस वाई ओके, कॉस यक्स, कॉस यक्स, यक्स का मान क्या है यक्स प्लस वाई, समझ रहे हैं ना ठीक है चलिए जीरो, उसके बाद जीरो जीरो वन, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हुआ कि नहीं, ला लीजिए टोटल बराबर हुआ रहा है ना, अब यहां लिख सकते हैं ये देखिए यक्स यक्स ये राइट हैंड साइड था, यहां था ना राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड था, ये क्या था लेफ्ट हैंड साइड था, दोनों को बराबर पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध किए इतना आया, अब क्या आ गया राइट हैंड साइड सिद्ध किए इतना आ गया, अब लिख सकते हैं कि यफ एक्स इंटू यफ वाई इक्वल टू यफ एक्स प्लस वाई, इस सिद्धांत प्रूव्ड हो चुका है ठीक, इस प्रकार देखिए एक बार हम और समझा देते हैं, यफ एक्स फंक्शन दिया है ठीक, यफ एक्स इंटू यफ वाई इक्वल टू यफ एक्स प्लस वाई सिद्ध करना है, जहां एक्स है हम वहां क्या रख देंगे y रख देंगे तो या फो y का मान निकल आएगा, तो दोनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वैल्यू क्या आ गया, उसी प्रकार इक्वल टू जहां x था अब x के स्थान पर क्या रख देंगे x प्लस y रख देंगे, इस पे रखेंगे ये आपका वैल्यू यह आ गया, यह लेफ्ट हैंड साइड आ गया या राइट हैंड साइड आ गया, अब यहां दोनों तरफ को एक लाइन और नीचे बराबर करके लिख सकते हैं ठीक, यहाँ बराबर कर सकते हैं ठीक, थोड़ा अलग है ये चीज अलग है ये चीज अलग,